खुदावंद पाक खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि बाप आसमानी हम तेरी हजूरी में झुक सके, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल देने वाले बन सके, क्योंकि बाप आसमानी आप ही इज़्ज़त जलाल के लायक है, बुजुर्गी के लायक है, सजदे के लायक है। सारी तारीफें बाप आसमानी तेरे लिए हैं। इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें ये वक्त दिया कि हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल दिया। और बाप आसमानी खास रहमत भरकर चाहते हैं जबकि लोग तेरे लोग जो चुने हुए लोग हैं बाप आसमानी तेरे इस चैनल को देख रहे हैं और बाप आसमानी गिल स्टूडियो के लिए तेरे हुजूर में बरकत की दुआ चाहता हूँ जिसके वसीला से बहुत सारे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं, अपने मौजज़ात को रिसीव कर रहे हैं। और बाप आसमानी हमारी दुआ है कि ये गिल स्टूडियो जो है इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करें, लोग इसे बाप आसमानी भरपूर तरीके से देखें, अपनी शफा को बाप आसमानी रिसीव करें और बहुत सारी बरकत का तजर्बा पाने वाले बन सकें। इस सारी टीम को तेरी हुजूर में याद करता हूँ और बाप आसमानी सारे लोग जो तेरे नाम लेवा लोग हैं जो बाप आसमानी इस स्टूडियो के वसीला से बरकत पाते हैं, जो स्टूडियो के वसीला से बाप आसमानी अपने गमों से आज़ाद होते हैं, दुखों से बीमारियों से रहाई पाते हैं, तुमने बड़े बड़े मौजदे किए हैं बाप आसमानी। इस चैनल को गिल स्टूडियो को तेरी हजूरी में याद करता हूँ कि अपना जलाल जाहिर कर। इस सारी टीम को तेरी हजूरी में याद करता हूँ, जितनी भी टीम है गिल स्टूडियो की उसके लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ, तेरे फजल को मांग लेता हूँ। तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और इस टीम को बढ़ा और बाप आसमानी अपने लोगों को इनकर्ज कर, अपने लोगों में रिवाइवल को पैदा कर, बेदारी आए तेरे लोगों में ताकि तेरे लोग निजात को देख सके, तेरी मुखलसी को देख सके और अपने सारे अबलीस के जितने भी मंसूबे उनसे रहाई पा सकें। अबलीस शर्मिंदा हो, डीट हो, तू फाते हैं, तेरा नाम बाप आसमानी इज्जत व जलाल पाने वाला बन सके। अबलीस के सारे मनसूबों को तेरे यीशु नाम से बांध देते हैं और गिल स्टूडियो में जितनी भी आने वाली बाप आसमानी मुश्किल हैं उसे तेरे यीशु नाम से डांट देते हैं कि कोई भी अबलीसी तस्वीर इस स्टूडियो में आने ना पाए बल्कि आपका नाम हमेशा इनके ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाने वाला बन सके। और बाप आसमानी गिल स्टूडियो के वसीला से बहुत सारी प्यासी रूहें निजात पाए, बहुत सारी प्यासी रूहों को ये जीत सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी देने वाले बन सकें। और बाप आसमानी हमारे यहाँ पर मिल बैठना मुतफिक होना तेरी जुर्म इस बात की अक्कासी करता है कि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। तो बाप आसमानी अपने लोगों को अपने जलाल के इस्तेमाल कर और बाप आसमानी गिल स्टूडियो को दुनिया के कोने कोने में लेकर जा ताकि लोग नजात के काम को देख सकें, नजात की राहों को देख सकें, क्योंकि बाप आसमानी तेरे नाम के वसीला से किसी के पास नजात नहीं है। और इसी तरह बाप आसमानी तो एक ये एक पैगाम दिया, एक ये बाप आसमानी स्टूडियो ऑन किया है, इसके वसीला से बाप आसमानी लोग बरकत को हासिल करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि सारी तारीफें तेरे नाम के लिए, सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले बाप आसमानी। और बाप आसमानी हर एक की नेक ख्वाहिशात को तेरे ज़िम्मे याद करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सलामती बका के लिए और बाप आसमानी इसकी तरक्की के लिए तेरे ज़िम्मे बरकत की दुआ चाहते हैं ताकि ये मुल्क तरक्की करे और इस मुल्क से बेरोज़गारी, बीमारी और दहशतगर्दी जैसी लानत को ख़त्म करते हैं। और बाप आसमानी हम हमेशा इसी तरह अपने मुल्क के लिए अच्छी सोच रखें, अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि हम इसके बाप आसमानी लोग हैं और बाप आसमानी हमारा मुल्क है, इसके लिए तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं। इस मुल्क में रहते हुए बाप आसमानी जबकि गिल स्टूडियो ऑन हुआ है इसके वसीला से बाप आसमानी हमारा मुल्क तरक्की करे, पूरी दुनिया में तेरी बाप आसमानी बादशाही की तालीम पहुँचे, तेरे कलाम का प्रचार हो, तेरी बाप आसमानी बातें जो अल्लाह ही बातें हैं वो लोग एक दूसरे से शेयर कर सके। बड़ी मदद करना, छूना, ब्लेस करना, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मसीह खुदा के मानते हैं। आमीन।